नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भाजपा शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार स्थानीय कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के ग्राम हसनपुर मजरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया। क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक श्रीकांत कटियार ने कहा कि विकसित भारत यात्रा का उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जन जन को जागरूक करना है, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को पहुँच सके। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। श्री कटियार ने कहा कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का नतीजा है कि आंकड़ों के अनुसार पिछले 9 वर्षों के मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत की 12 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर भारत लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस अवसर पर जिला व्यवस्था प्रमुख गिरीश वर्मा, गुड्डन कटियार, जयपाल पटेल, शिव कुमार आदि सहित तमाम ग्रामवासी उपस्थित रहे। उन्नाव के बांगरमऊ से जमीर खान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।